भी थोड़ा फुल हुआ है। जितना फूल तोड़ोगे उतना प्लांट में ज़्यादा आएगा फूल। और ये जो वाइल्ड वाला फ्लावर है ना, ये घर के नीचे हुआ है हमारा। बस इतना ही फूल निकला। वॉशिंग मशीन चालू करना है, कपड़ा बहुत हो गया है। घर बहुत गंदा होके पड़ा है, उसको भी ठीक करना है, क्योंकि कल हम लोग आए जाने के टाइम पे भी ऐसे ही घर गंदा करके गए थे। किचन में आ गई हूँ, आदि चला गया, फिर जाने के बाद कैसे गंदा होके पड़ा है इसको भी ठीक करना है। हस्बैंड के लिए अभी टिफिन बॉक्स में रेडी करूँगी। ये वेजिटेबल पुलाव बनाई थी, आदि भी लेके गया, इसके साथ में थोड़ा सा रायता बना के दे दूंगी टिफिन बॉक्स में। बहुत टेस्टी लगता है ये गोविंद भोग राइस आता है ना, उसके साथ में बीन्स, गाजर, थोड़ा सा आलू, मैं पनीर भी डालती हूँ। मैं एग्जाम टाइम आज पनीर नहीं था तो ऐसे ही बना लिया। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 1 o'clock। आप लोगों ने संडे का ब्लॉग देखा या नहीं, जो अभी मैं मॉर्निंग अपलोड की हूँ। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि वही सोसाइटी में मैं पहले रहती थी। अभी 6 month हुआ मैं ये घर को शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत डिस्टेंस जाना आना करना पड़ता था और वो बहुत टायर्ड हो रहे थे, क्योंकि उनके कंपनी से वो घर था 60 to 70 kilometers। तो मुझे मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग कंपनी के पास में ही शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जून से हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो बहुत दिन के बाद मैं गई थी, सारे फ्रेंड्स से मिली, बहुत अच्छा लगा। आने के बाद आज सुबह से बहुत काम, कल का जो सामान इधर उधर फेंक के हम लोग गए थे, जल्दी जल्दी निकलना था, पूरा वही काम में मैं बिजी हूँ मॉर्निंग से। फिर भी मेरा बेटा आदि जो है वो स्कूल गया, उसके लिए मैंने लंच बॉक्स भी बनाया, पुलाव बनाई थी, वो लेके गया, और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा काम ख़त्म करके अभी खाना खाऊंगी, लंच कर लूँगी, लंच के बाद फिर दूसरा काम मुझे है, थोड़ा मार्केट जाना है। एक साड़ी लाई थी उसका स्टिचिंग के लिए, मतलब फॉल पिको ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देने के लिए जाना है। बस घर बहुत, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो घर किया, और भी बहुत गंदा होके पड़ा है, उसका भी काम करना है। और सोच रही हूँ आज कुछ एक रेसिपी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोच रही हूँ। देखते हैं, अगर अच्छा रेसिपी कुछ बनाऊँगी तो शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं। ये है आज का मेरा लंच, बहुत ही यमी यमी लंच है, पुलाव, वेजिटेबल्स पुलाव, और ये है रायता। ये सेम टिफिन मेरे बेटा और हस्बैंड दोनों लेके गए हैं, ये आपके लिए। ये जो पुलाव है बहुत इजी है, थोड़ा जो राइस लेना है, अच्छा राइस लेना है, बस सारे जो भी वेजिटेबल्स आपको डालना है डाल के प्रेशर कुकर में सीटी लगा दो, हो गया। थोड़ा बिरयानी मसाला डालना है तो अच्छा फ्लेवर आता है। कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। बहुत इजी है, 5 to 10 minutes के अंदर ये बन जाता है। और कहीं जाओ तो मतलब ट्रैवल करोगे ना, इसको भी लेके जाओगे तो हेल्दी भी है
और टेस्टी भी है। अभी मुझे ये जो कपड़ा है ना, ये 2 दिन से इधर है, मैं उसको फोल्ड करके रखना है, उसके बाद मैं मार्केट जाके आऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग हो चुका है, मैं डिनर बनाऊंगी और डिनर पे आज बनाऊंगी चिल्ली रोजाना बड़ी। रोजाना मीन्स जो सोयाबीन आता है ना, सोयाबीन को पे स्पाइसेस डाल के उसको डीप फ्राई करके सेल करते हैं, और वो ना चिकन जैसा दिखता है, उसका चिल्ली बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये जो रोजाना है, मैक्सिमम वो साउथ उड़ीसा में ही मिलता है। मैं जब हॉस्टल में रहती थी वहाँ पर ही पहली बार रोजाना बड़ी खाई थी, और मुझे बहुत पसंद है। तब से मैं कभी भी उड़ीसा जाती हूँ तो ये कहीं पर देखती हूँ तो मैं लेके आती हूँ। हैदराबाद में मिलता है या नहीं मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उड़ीसा, साउथ उड़ीसा में ज़्यादातर ये मिलता है, इसको खाते हैं। चलो फिर मैं बनाती हूँ, देखिए कैसा मैं बना रही हूँ। ये है रोजाना बड़ी, जो सोयाबीन है उसमें स्पाइसेस डाल के, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और सॉल्ट, ये सब डाल के मैरिनेट करके उसको फ्राई करके सेल करते हैं। हम उसको रेडीमेड लेके चिल्ली बना सकते हो, या थोड़ा मसाला बना के इसका करी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है ये। सोयाबीन में थोड़ा सा स्मेल आता है, इसमें स्मेल भी नहीं आता है क्योंकि डीप फ्राई होता है, तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग रहता है। इसको पहले हम क्या करेंगे, गर्म पानी में डाल, देखिए पानी, जैसे सोयाबीन हम गर्म पानी में डालते हैं ना सॉफ्ट होने के लिए, जैसे इसको गर्म पानी में डालेंगे थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए। गर्म पानी में डालने के बाद ना थोड़ा सा इसका क्या कलर जो है, इसमें कलर भी देते हैं ना, तो कलर जो है वो थोड़ा निकल जाता है, अच्छा है, कलर निकल जाना चाहिए। फिर हम इसको चिली बनाएंगे, पूरा चिकन जैसा दिख रहा है, चिली चिकन फ्राई मिलता है ना मार्केट में, सेम वैसा ही दिख रहा है। लिए ऑनियन लेना है, कैप्सिकम, मिर्ची, ग्रीन मिर्ची, तेल गरम हो गया है, उसमें मैं गार्लिक और चिल्ली जो है ग्रीन चिल्ली वो डाल दिया। फिर थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद हमको प्याज डालना है। प्याज को मैं 2 से 3 प्याज ली हूँ। प्याज और कैप्सिकम एक साथ में डाल, नल को इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। अभी थोड़ा सा विनेगर में डालूंगी, विनेगर डालेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट जल्दी हो जाएगा। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो सॉस हम बनाएंगे उसमें डालने के लिए, वो मैं पहले तैयार करूंगी, थोड़ा सा सोया सॉस, सेजवन सॉस, टमाटो केचप, थोड़ा सा चिली सॉस, बस इसको डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सारे सॉस मिला के एक ऐसा पेस्ट बना लेंगे। ये जो ओनियन और कैप्सिकम है, इसको हमको ना हाई फ्लेम में फ्राई करना है। लो फ्लेम में या मीडियम में करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा। हाई फ्लेम में करेंगे तो अच्छा उसका जो टेक्सचर है वो अच्छे से आएगा। फ्राई हो गया जो सॉस में बना के रखी थी, अभी उसको डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैं डाल रही हूँ, और कोई भी स्पाइसी में इसलिए नहीं डाल रही हूँ, वो जो रोजाना बड़ी है उसमें ऑलरेडी सब कुछ है, मिर्ची है, सब कुछ है, गरम मसाला, और ऐसे भी चिल्ली में, चिल्ली के आइटम में तो कुछ मसाला ज़्यादा नहीं डालते हैं, जितना सिंपल बनाएंगे उतना टेस्टी आता है। अभी हम जो बड़ी हम रखे थे ना,
गर्म पानी में वो सॉफ्ट हो गया है, उसको निकाल के डालेंगे। इसको डालने के बाद फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी वो रोज़ाना बड़ी में सॉल्ट है, जितना चाहिए टेस्ट करके उसी हिसाब से डालना है। डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अभी हमारा रोज़ाना चिली बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा 2 to 3 मिनट्स उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर गैस ऑफ कर दो। आप लोगों का अगर मेरी ये रोज़ाना चिली रेसिपी अच्छा लगा होगा तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे और एक न्यू रेसिपी के साथ मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।